Hi, I'm Kuldeep Singh Sisodia from Rajasthan. मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आने के बाद बहुत ही चेंज हुआ है. पहले कोचिंग सेशन कोचिंग प्लानिंग मेरे ये माइंड में चलती थी कि बस वार्म अप एक्टिविटी स्केल एंड गेम्स एंड डे वाइज सब 3 डेज या 4 डेज कंटिन्यू एक ही एक्टिविटी होती थी और उसके बाद नेक्स्ट सेशन. बट यहाँ पर आने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ है कि मैं नेट्स ना करा के कुछ और उससे अच्छा करा दूँ और बच्चों को उसमें मज़ा आए, फन हो उसमें थोड़ा, और नई नई टेक्निक बताऊँ उसमें कि टेक्निक का कोई ये तो उन्होंने टॉपिक ही दिया, सब स्किल पे ही वर्क करने को कहा उन्होंने. और स्किल में उन्होंने ज़्यादा डीप के लिए कहा है कि ज़्यादा फोर्स आप स्किल पे ही करिए, क्योंकि स्किल ही मेन इंपॉर्टेंट होती है. स्किल से ही आप सब कुछ मैच हो गया या कुछ भी आप करवा दो, स्किल ही एक्टिविटी में आप सब इम्प्रूव करा सकते हैं. एंड मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम खेलते थे तो इतना हमको फीडबैक नहीं था, इतना हमको ये नहीं बताया जाता था कि हमको ये चीज़ सही करनी है, ये चीज़ सही करनी है. पर यहाँ पर आने के बाद हम जो कर रहे हैं उसके बाद भी हमें बाद में फीडबैक बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ करी अच्छी थी, बट आप इससे भी और अच्छा कर सकते हैं. तो हमारी प्लस पॉइंट को भी बता रहे हैं और माइनस जो है, जो हमारी गलतियाँ उनको सुधारने का एक बार और मौका दिया जा रहा है. और इंस्ट्रक्टर्स के बारे में माइकल से सीखने में क्या नया सीखने को मिला? माइकल से एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, उन्होंने एक चीज़ हर एक टॉपिक में उन्होंने कहा है कि फ़न होना चाहिए. तो मतलब हर चीज़ को जो भी आप करा रहे हो बच्चों को, वो बच्चे पूरी तरह से इंजॉय करें और उसमें पूरे एक्टिव रहे और इन्वॉल्वमेंट रहे उसके अंदर, कोई इधर उधर ध्यान ना दें. तो ऐसा कुछ कराए कि उसमें सब बच्चे एक साथ रहें. ये चीज़ मुझे एमपी से सीखने की. और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. जैसे मेरे साथी कोच हैं महीप सर, जो कोलकाता से आए हैं घोष जी और चक्रवर्ती जी जो भी है, और मेरे मुंबई के साथी, मैं एक्चुअली उनका नाम नहीं जानता हूँ, बट बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया. जैसे आज भी टॉपिक लिया था कि लाइफ कोचिंग, भावना मैम ने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने किस तरह से स्टेप बाय अपना लेवल बढ़ाया और एक अच्छे कोच पे, मतलब स्टार्ट से लेके वन बाय लेवल कोच बड़े लेवल पे गए. और यही बात अजय सर की भी है, और सबसे बड़ी बात है हमारे अभिषेक सर, जिन्होंने ओवरऑल फील्ड, वॉचिंग हो गई, अंपायरिंग हो गई, स्कोरिंग, ओवरऑल फील्ड को बहुत तरह से कैचअप कर रखा है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आज शेयर किया. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया, और मैं इस काबिल हूँ कि आज मुझे उनका एक्सपीरियंस देखने मिला, उन्होंने एक्सपीरियंस बोला, वो मुझे सुनने मिला. और ऐसी कोई चीज़ उनको ये चैलेंजिंग चीज़ थी पहले, इस इंडक्शन से पहले एक कोई चैलेंजिंग लगती थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि बहुत आसान था और इसको वैसे करते तो आराम से हो जाता. हाँ, नॉर्मली ऐसे कोई भी एक शॉट होता था, जैसे कि कुछ भी बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा ये शॉट क्लियर नहीं हो रहा है या मेरी ड्रिल्स ये नहीं हो रही, तो हम अपनी तरह से बता सकते थे. पर जब वो नहीं सही कर पाता था तो हम टेंशन में आते थे कि यार मैं इतना बताने के बाद भी वो सही नहीं कर पा रहा, तो आखिर ऐसा क्या कारण है. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि एक ही ताले की कई तरह से चाबियाँ निकल रही है. जो मुझे ताला तो चाबी मेरी घूम गई है, एक सपोज एक जस्ट एग्जाम्पल है कि अगर ताले की चाबी घूमी, पर मुझे यहाँ निकला है कि मुझे कहीं से भी कहीं चाबी मिल सकती है. ओके.